बिस्मिल्लाम तो आर डूइंग एडवास्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जिसमें हम स्वैप्स की बात कर रहे थे तो दे विल बी टॉकिंग अबाउट स्वैप क्रेडिट रिस्क स्वैप क्रेडिट रिस्क करंट क्रेडिट रिस्क द सिचुएशन वेयर वन पार्टी स्वैप पार्टी पेमेंट नाउ एंड द अदर पार्टी कैन नॉट मेक द पेमेंट वो करंट की जो पेमेंट किसी की ड्यू है वो ना पे कर सके पोटेंशियल क्रेडिट रिस्क द पॉसिबिलिटी दैट अदर पार्टी में डिफॉल्ट इन द फ्यूचर एक तो अभी ड्यू हुआ है और वो नहीं दे रहे वो एक करंट सिचुएशन है एक ये एक्सपेक्टेशन कि अगर फ्यूचर में जो पेमेंट्स आनी है दूसरी पार्टी की तरफ से दे इल नॉट मे बी एबल टू पे दैट सो दैट्स द रिस्क इन द स्वैप क्रेडिट द अमाउंट एट रिस्क फॉर डिफॉल्ट इज इक्वल्स द स्वैप मार्केट वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कि दोनों की मार्केट वैल्यू डिटर्मिन हो उस पॉइंट पे पता लगता है कि कितना अमाउंट रिसिवेबल है तो वो रिसीव होगा कि नहीं वो एल आर ओवर द काउंटर द पार्टीज कैन एग्री टू मार्क टू मार्केटिंग मार्क टू मार्केट बेसिक होता क्या है कि रादर देन वेटिंग फॉर द टाइम मेचोरिटी अर्ली पेमेंट्स जैसे जैसे मार्केट्स मूव करें तो अर्ली पेमेंट्स भी की जा सकें ये ज़्यादातर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादा होती है जब मार्केट से लिंक होता है लेकिन क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है तो उसमें ये चीज़ बिल्ट इन की जा सकती है ताकि क्रेडिट रिस्क कम से कम हो जाए फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी से पाँच हज़ार डी हो जाए एक महीने बाद उससे बेहतर है कि आप जैसे ही दो हज़ार डी हो रहा है टाइम में आप इन टर्म पेमेंट्स की बात करें मार्क टू मार्केट तो वो क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस कर देता है स्वैप स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन स्वैप फिक्स रेट एंड द इक्वल मेच्योरिटी फिक्स रेट क्योंकि हमारे जो हमने बात की थी कि रिस्क फ्री रेट में और स्वैप के रेट में जो डिफरेंस है दैट इज द स्वेप स्प्रेड इस पर थोड़ी सी हमने पहले बात भी की हुई है सेम यील्ड के जो सेम टर्म के जो ट्रेजरी होगी उसको स्वैप से जब कंपेयर करेंगे तो दैट विल बी द स्प्रेड स्वैप रेट कैन बी कोटेड एज स्प्रेड ओवर इक्विवेलेंट रिस्क फ्री रेट हम ये बात कर सकते हैं कि जी रिस्क फ्री रेट के ओवर कितना है जो कि स्प्रेड है उसी पे उसको कोट किया जा सकता है कि ये स्वैप रेट इस तरह मूव की जा सकती है दिस स्प्रेड कैन भी इंटरप्रेटेड एज गेज ऑफ क्रेडिट रिस्क इन जनरल मार्केट की यानी कि जितना मार्केट में उसका एपीटाइट होगी क्रेडिट रिस्क होगा उसके अकॉर्डिंगली ही सो आपका रिस्क वेरी करेगा एंड ड्यूरिंग टाइम ऑफ इकनॉमिक टर्म ऑयल वी एफ सीन स्प्रेड्स जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं बिकॉज रिस्क कोई ले नहीं रहा होता तो फिर जो रिस्क लेता है उसको हाई रिटर्न ऑफर करना पड़ता है तो जो गैप है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है जब मार्किट की सिचुएशन बड़ी टफ हो जाती हैं इसका भी एक हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है कि जो ये रिस्क है कि पार्टी पे नहीं करेगी दूसरी उस रिस्क को कैसे कैप्चर किया जा सकता है देन वी हैव एन अदर टूल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वो सी हम कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव दैट अलाउज एन इन्वेस्टर टू स्वैप और ऑफ सेट हिज क्रेडिट रिस्क विद एन अदर इन्वेस्टर मैंने एक पार्टी से जो मेरा रिस्क है वो मैं किसी और को शिफ्ट ऑन कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ लैंडर इज़ वरेड दैट बोर इज़ गोइंग टू डिफ़ॉल्ट लैंडर कुड यूज़ सी डी एस टू ऑबसेट दैट रिस्क तो मतलब वो अपना जो मैं हमारी जिसने बोरो किया वो पैसे नहीं देगा तो वो जो लैंडर है वो अपने रिस्क को ख़त्म करने के लिए सी डी एस की एंट्री कर सकता है ट्रेड डिफॉल्ट स्वैप इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ये डेरेबिटे में बड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है म्यूनसिपल बॉन्ड्स इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इसकी यूटिलाइजेशन की जाती है टू सेफ गार्ड योर सेल्फ ट्रेड डिफॉल्ट स्वैप्स आर कस्टमाइज अगेन ये स्टैंडर्डाइज नहीं है कस्टमाइज है बिटवीन द टू काउंटर पार्टीज विच में एकदम ओपेक इ लिक्विड मतलब इतने ये इजिली ट्रेडेबल नहीं है और इवन इसकी ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि दो पार्टीज के आपस में ये डील हुई हुई है तो कहीं बहुत फॉर्मली ये रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे होते हैं ये है क्या बेसिकली क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एज एन इंश्योरेंस इंश्योरेंस का वर्ड आप लोग शायद ज़्यादा बेहतर कम्फर्टेबली नोन है तो ये भी एक किस्म की इंश्योरेंस ही है कि देखें ना जी हमारे पास हमें कहीं से आने थे पैसे और हमें उसको रिस्क था उसको लिए हमने ये कैप्चर कर लिया तो इंश्योरेंस भी यही होती है कि आप अपने किसी रिस्क को कवर कर देंगे अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे पैसे यहाँ से मिल जाएंगे सो सी डी एस इज़ इन इफेक्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट नॉन पेमेंट थ्रू अ सी डी एस बायर कैन अवॉइड कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ अ बॉर्वर्स डिफॉल्ट बाय शिफ्टिंग द रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी की अगर वो पार्टी नहीं देगी तो हमने अपना रिस्क जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पर शिफ्ट कर दिया कि अगर वो ख़राब होगी पार्टी तो इंश्योरेंस कंपनी हमें वो पैसे दे देगी इन दिस वे द बायर ऑफ द क्रेडिट स्वैप रिसीव क्रेडिट प्रोटेक्शन तो मुझे जिसने वो सी डी एस खरीदा होगा उसको एक कम्फर्ट मिल गई प्रोटेक्शन मिल गई कि अगर मेरी दूसरी पार्टी डिफॉल्ट कर गई तो मुझे सी डी सी सी डी एस जो है ये पेमेंट कर देगा वाइल द सेलर ऑफ द स्वैप गारंटी इज द क्रेडिट बर्थीनेस ऑफ डेड सिक्योरिटी तो जो वो सिक्योरिटी वो आपको राइटर है वो आपको ये अश्योरेंस दे रहा है कि हम ये मामला कैप्चर करेंगे फॉर एग्जाम्पल The buyer of a credit or default swap will be entitled to par value of the contract by the seller, along with any unpaid interest. कि जो दूसरी पार्टी ने मेरा जो प्रिंसिपल देना था वो प्लस जो उसका तब तक का इंटरेस्ट ड्यू हो गया था वो भी उसने ही देना है तो अब ये हमारी स्वैप की टर्म में सीडीएस की टर्म में ये नॉर्मली बिल्ट इन होता है तो वो फिर हमें वो सारी पेमेंट्स की हमारी इंटाइटमेंट हो जाती है फ्रॉम दैट सी या अगेन जिसको सिंपल वर्ड में हम कह रहे हैं फ्रॉम दैट इंश्योरेंस कंपनी तो वो एक बड़ी कंफर्ट आ जाती है कि हमारी एक प्रोटेक्शन हमें एलिमेंट मिल जाता है रियल वर्ल्ड की अगर हम एग्जाम्पल बात करें क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वर वाइडली यूज ड्यूरिंग यूरोपियन सोवर डेट क्राइसिस जब डेट का बहुत बड़ा मसला आ गया था तो ये बहुत यूज हुए थे इन सेप्टेम्बर एलेवन ग्रीस गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैड अ नाइन्टी फोर परसेंट प्रॉबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मैनीज फंड इवन सी डी एस एज वे टू स्पेकुलेट ऑन लाइकली हुड दैट कंट्री वो डिफॉल्ट तो वो उस सिचुएशन में सी डी एस की इंप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी टू थाउजेंड अलेवन में बहुत स्वेयर क्राइसिस मार्केट्स में यूफ यू कैन रीकॉल तो वो उस पर थोड़ी आप रिसर्च भी करें कि वट हैपन इन टू थाउजेंड इलेवन विद रिस्पेक्ट टू मार्केट्स तो वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट का सिचुएशन था तो ये सी की डिमांड और नीड उसके बाद से फिर एक ड्रास्टिक इंक्रीज आया था तो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन थैंक यू